निरंजीलाल बदामी देवी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के ट्रस्टी व नगर के भामाशाह उद्योगपति काशी प्रसाद मुरारका की धर्मपत्नी मीना देवी मुरारका के निधन पर आज भाजपा नेता जयप्रकाश सरावगी के नेतृत्व में नगर के आम नागरिकों की ओर से सीकर मार्ग पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शोक सभा में उपस्थित नगर के गणमान्य नागरिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा स्वर्गीय मीना देवी मुरारका के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उपस्थित नागरिकों ने मीना देवी मुरारका के निधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही कहा कि ऐसे सेवाभावी नेक इंसान को हमेशा याद किया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा के दौरान भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुस्तफा कुरेशी, उपाध्यक्ष बनवारी लाल पांडे, साबिर बाबू हाजी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश जोशी, गौड़ ब्राह्मण सेवा संस्थान के दीनदयाल जोशी, सुभाष जोशी, दीपक जाजोदिया, पुरुषोत्तम मिश्रा, राजेंद्र मटोलिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाभी जी, श्रीमती मीना देवी काशी प्रसाद मुरारका जो आज हमारे बीच नहीं रही है, उनका लक्ष्मणगढ़ की भूमि से पूरा लगाव था। लक्ष्मणगढ़ की जनता ने, सभी समाज के बंधुओं ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आदर्श विद्या मंदिर के अंदर एक शोक सभा का आयोजन किया था। उसमें नगर के प्रबुद्धजन, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि, राजनेता, व्यापारी, अधिकारी सब उपस्थित होकर सबने पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीमती मीना देवी एक धर्मप्रायण और उदार विचारों वाली महिला थी। वह ईश्वर की भक्त थी। रानी सती दादी की वो परम भक्त थी। उन्होंने दादी के दर्शन के लिए मलाड़ के अंदर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, सुसज्जित मंदिर का निर्माण, और आज भी वो सुव्यवस्था के साथ एक सुंदर मंदिर के रूप में वहाँ पर जाना जाता है। हमारी कुलदेवी श्री चामुंडा माता, जिसको लक्ष्मणगढ़ के अंदर चावड़ी माता के नाम से जाना जाता है, उसके मंदिर का भी निर्माण उन्होंने मलाड़ के अंदर करवाया। यह उनके धर्म के प्रति एक आस्था और विश्वास की बात है। हर व्यक्ति के जीवन में मातृशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रारंभ में माता बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, उसके बाद में जब शादी हो जाती है तो उसकी अर्धांगिनी सधर्मणी उसकी राय सलाम अशरा में उसकी सहभागी होती है। इसी प्रकार से मीना देवी जी भी काशी जी के जीवन में एक आदर्श महिला के रूप में आई, और जिस प्रकार से हम स्वर्ण आभूषणों में मीना लगाकर उसको सुसज्जित करते हैं, उसी रूप से काशी जी के जीवन में मीना लगाकर मीना जी ने अपना एक अच्छा व्यवहार और संस्कार और समाज के प्रति उदारता, धर्मप्रायणता, सेवा भावना का कार्य प्रारंभ करवाया। आज जितने भी जो कार्य हुए हैं उन सब में मीना देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो बस स्टैंड का कार्य हो, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर महिला कांस्टेबल के लिए रहने की व्यवस्था हो, चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी और विश्राम गृह की व्यवस्था हो, आदि जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब उन्हीं की प्रेरणा से कार्य हुए हैं। अरे मुरारका परिवार के अंदर सेवा का जो कार्य है वो जन्मजात विरासत के रूप में मिला है। जिस प्रकार से पूज्य ताऊ जी श्री चिरंजीलाल जी समाज की सेवा में हमेशा अग्रणी रहे हैं, उसी प्रकार से भाई काशी प्रसाद जी और आज उनके पुत्र अनिल भी उसी सेवा कार्यों में अग्रणी रहते हैं। लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आज उन्हें भारी संख्या में उपस्थित होकर जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, हमारे परिवार के प्रति जो संवेदना प्रकट की है वो एक सराहनीय है। हम उसके लिए आभारी हैं। हमारा जो लक्ष्मणगढ़ से लगाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। आज आपके माध्यम से